हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृष्णेंदु। सो टुडे वी विल सी हाउ टू गेट सॉल्यूशन फॉर गूगल्स ऐप नॉट अप्रूव बट नॉट रनिंग। ओके, सो लेट्स गो। ये मेरा गूगल अकाउंट से, गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ऐसे तरीका का एक अकाउंट आएगा। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, फर्स्ट प्रॉब्लम तो इसमें भी हुआ था, तो आप आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ मेरे साथ हुआ था। तो देखो, पहले जो चीज़ है, पहले आपका जो चीज़ है ध्यान रखना होगा। जैसे हो गया बिट, जैसे जो बीट है इसके ऊपर, बीट के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम पहले सेटिंग में चल जाते हैं, कैंपेन में जाके सेटिंग के बाद वह एडिट सेटिंग में चल जाते हैं। आ गया ये आपका कैंपेनिंग नेम कैंपेनिंग स्टेटस। जो मेन चीज आपको आपका इशू आता है, जैसे यहाँ पे आपका एक ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बजट एंड डेट। डेट का उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, जब यहाँ पे जैसे आप बजट दिए 100, ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ऐसे कोई अमाउंट दे दिए हो जो अमाउंट आप यहाँ पे डालने के बाद इस साइट में एरर आ जाए, जैसे कि हम आप कर दिए हो 20। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जब ऐसे नहीं देना है, यहाँ पे एटलीस्ट 100 बजट रखो, क्या 300 बजट रखो, बाद में आप चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे ऐसे टाइप का प्रॉब्लम होता है, ये माइनर है। उसके बाद आ जाते हैं आप बीट में, और क्या यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे और एक ऑप्शन है क्या, लोकेशन। लोकेशन में आके जैसे कि हम यहाँ पे ऑल कंट्री अभी सिलेक्ट करके रखे थे, क्या होता है कभी कभी टाइम में आपका जो ऐड है ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, नहीं मिला, वो बहुत न्यू वीडियो है आज जो आपका उस कंटेंट को अच्छा लगा और आप चाहते हैं क्या प्रमोट करना चाहते हो इसको मोर व्यूज़ लाने के लिए, क्या आपका न्यू चैनल है, आप चाहते हो क्या उस वीडियो को आप प्रमोट करके आपका थोड़ा सा व्यू बढ़ाए, तो इस सब जगह में क्या करना है, आपको ऑल कंट्रीज सिलेक्ट करना ही सबसे बेहतर है। क्योंकि आप जब कंट्री को शॉर्ट कर लोगे, क्या इस एंटर अनदर लोकेशन में क्लिक करके शॉर्ट कर दोगे, नैरो कर दोगे आपका लोकेशन, कभी कभी हो सकता है क्या इस जो आप ऐड सिलेक्ट किए हो, इस ऐड क्या होता है क्या इस कई पर्टिकुलर कंट्री में नहीं चलता है, क्या गूगल उनको उस वीडियो को नहीं चला पाता है आपका ज़्यादा व्यू नहीं होने के लिए, नहीं होने का कारण, ठीक है। तो इस सब जगह में आप शुरू के बाद आप ऑल कंट्री रखना सबसे सही है। उसके बाद मैक्सिमम सीपी भी जो है यहाँ पे अभी डिसेबल लगा है, जो कि आप यहाँ हम आपको दिखाए थे, वहाँ से जाके बिट को चेंज कर लीजिएगा। इस जो बिट है, जैसे क्या आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे जो बिट है यहाँ पे एडिट कर ले सकते हो, और इस बिट को आप एटलीस्ट 40 पैसा रखोगे। कोई बहुत सारा वीडियो आपको देगा 10 पैसे, 20 पैसे, ऐसे करके आपको बिट देते हैं। तो शुरू के बाद आपको ये 40 पैसे रखना सबसे अच्छा है, आप इतना करके ही रखो। बाद में क्या होगा, बाद में आपको देख लेना क्या कितना बीट आपका चलता है, उस हिसाब से आप अपना बीट को घटा लेंगे। जैसे हम 40 रखे थे, देखो हम ओवर व्यू में जाएंगे तो अभी मेरे को सीपीवी कितना है, 24 है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको हम 25 रखें, फिर एक दो दिन के बाद इसको 24 करें, फिर 24 करने के बाद 23 करें, देखते हैं कहाँ कहाँ तक मेरा बीट लेता है।
देखोगे कि आपका ऐड बंद हो गया, तो फिर आप जैसे पिछला 24 था तो फिर 24 कर देना, 23 नहीं ले रहा तो इस हिसाब से आप बीट को कम करके आपका पैसा सेविंग कर सकते हैं ऐड के पर्पस में। तो शुरू शुरू के बाद आप 40 रखोगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और लोकेशन को ऑल सिलेक्ट कर लेना, लोकेशन को आप क्या करना है, ऑल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लोकेशन है, यहाँ पे ऑल कंट्रीज जो है आप ऑल रखना, इसी टाइप का इशू होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बीट के बारे में बोला है, तो बीट को थोड़ा सा ध्यान, और बाकी कुछ नहीं, ये दो पॉइंट जैसे बीट देख लेना है, लोकेशन आपको देख लेना होगा, और आपका एज ग्रुप देख लेना है। एज में जैसे कि आप बहुत नैरो कर देते हो एज को, जैसे कि आप चाहते हो कि आप 18 से 25 साल को किसी को दिखाओगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका सब कुछ अप्रूव तो रहता है बट आपका व्यूज़ नहीं होता है शुरू शुरू के बाद, क्योंकि आपका ऐसे ही चैनल न्यू है, क्या आपका जो जो वीडियोज है उसका ज़्यादा व्यू नहीं है, तो इसीलिए सिमिलर वीडियो सिमिलर कंटेंट नहीं मिलता है क्या, इसी तरीके का सिमिलर कंटेंट को सिमिलर कंटेंट में जाके आपका इस ऐड को दिखाए गूगल। तो इस सब कारण में आपको थोड़ा सा कैपिंग को बढ़ाना है, ये जो नैरो करके रखते हैं इसको थोड़ा सा इजी लूज करना है, ठीक है। तो इस सब जगह में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और हम आ जाते हैं, जैसे हमें जो बीट के बारे में बोल रहे थे मेन थिंग, यहाँ पे आके आप अपना बीट को थोड़ा सा यहाँ से 40 रखना, अभी 10 या 20 ऐसे कम मत रखना, ज़्यादा करके रखना, बाद में काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे आपका डेमोग्राफिक में आके, जैसे हम आपको एज वाला बात बता रहे थे, जैसे यहाँ पे आके आप अपना एज को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा नैरो मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं ऑडियंस सेगमेंट में, ऑडियंस सेगमेंट में क्या होता है, जैसे हम एक सिलेक्ट करके लगा रखे हैं, बहुत लोग है क्या इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर इसके अंदर जाके, जैसे हम एक तो आपको सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो इन्फिनिटी के अंदर गए हैं हम, टेक्नोलॉजी क्लिक किया, उसके बाद इसको क्लिक किए, मान लो इसके अंदर और भी पैरामीटर है, इसके अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस गया, उसके एकदम छोटा छोटा हम इसको ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर की है, जैसे छोटा छोटा, जैसे हम लाइफस्टाइल हब इसके अंदर गया, उसके बाद फैमिली के अंदर गया, उसके अंदर इसके इसको होम एंड एडुकेशन पर पेरेंट को मिला, तो इसको कलेक्ट किया, हम जितना छोटा कर देंगे शुरू शुरू के बाद, सब क्या होता है गूगल्स ढूंढ नहीं पाते कीवर्ड को, और उसी तरीके से ऐड को बहुत लोगों को नहीं दिखा पाता है, इसमें आपको लगता है कि आपका ऐड नहीं चल रहा है, आप 2 से 3 दिन वेट कर लोगे उसके बाद भी आपका व्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें देखना है, फिर एज ग्रुप में जाके आप थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है क्या एज ग्रुप कैसे आप सिलेक्ट करके रखे हो, यहाँ पे हम जैसे सारे सिलेक्ट करके रखे, 55 64 और 65 को हम छोड़ दिए, कोई कोई क्या हम आपको खाली फीमेल चाहते हैं तो खाली फीमेल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद 18 से 24 साल के चाहिए खाली इसी को सिलेक्ट किया, बाकी को अनटिक लगा दिया, यहाँ पे सब कुछ हटा दिया, इसे हटा दिया, तो इसमें ये सब ज़्यादा जितना सारा आप नैरो कर दोगे आपका ये सब इशू आते रहेगा, तो एक प्रॉब्लम हो गया है। उसके साथ साथ और एक चीज़ है कि आपको अकाउंट सेटिंग के ऊपर ध्यान देना है, और जैसे यहाँ पे जाओगे जाने के बाद तो आपका जैसे सेटिंग में जाओ, बिलिंग सेक्शन में, जैसे यहाँ पे आपका बिलिंग सेक्शन में आने के बाद सेटिंग में आओ, आने के बाद मेरे साथ थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ था इस तरीके का, सेटिंग में आए थे हम, आने के बाद यहाँ पे पोपा डिटेल्स, जहाँ पे नेम एंड एड्रेस है यहाँ पे पोपा डिटेल्स देना है, जैसे आपका आधार कार्ड में जो है वही चीज़ यहाँ पे पूरा सबमिट करना होगा, और आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर दे दो,
और आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस दे देना, यहाँ का कंट्री वगैरह, यहाँ का जो फील है सब फिलअप अच्छा से कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री सेलेक्ट किए, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल कर दिए हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन में हम मेरा पैन कार्ड डाला, मेरा रजिस्टर नहीं है। और चीज़ है क्या, आपको यहाँ पे ऑप्शन मांगा गया रजिस्टर क्या अनरजिस्टर्ड। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे कभी भी रजिस्टर्ड मत सिलेक्ट कर देना, अनरजिस्टर्ड हमेशा करना। और आपको आपके पास जीएसटी है तो रजिस्टर करके आपका रजिस्टर्ड नंबर जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देना, नहीं तो ये सब चीज़ में भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। पेमेंट प्रोफाइल जो है, अकाउंट सेटिंग थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देके इसको कॉन्फ़िगर, मतलब अच्छा से सेटिंग को करके सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका सॉल्यूशन, ये था आपका मेन सॉल्यूशन, क्या कैसे आपका ऐड एलिजिबल है, अप्रूव्ड है, बट तभी भी आपका ऐड रन नहीं होता है, आपको व्यू नहीं मिलता है। तो क्या क्या चीज़ आपको देखना होगा, पहले आपका स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहले आपका क्या है पेमेंट गेटवे सेटिंग एक बार देख लेना है, वहाँ पे सारी सेटिंग आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है सही से दिया हुआ कि नहीं। सेकेंड फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर में आएंगे आप देखोगे कि आपका क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आप इंडिया सिलेक्ट करके रखे हो क्यों, क्या ऑल कंट्रीज करके रखे हो, एक थोड़ा सा ध्यान ले लेना। नहीं चलेगा तो एक बार आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, ऑल कर देना। तीसरा नंबर में आते हैं क्या आप एज ग्रुप जो है, एज ग्रुप थोड़ा सा इसी के साथ साथ जब आप इसके ऊपर ध्यान दे देना, जैसे कि आप जब लोकेशन सिलेक्ट करो उसी जगह में आपका एज ग्रुप के ऊपर देख लेना, ये सब चीज़ सारे चीज़ करना है। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पीट जो कॉस्ट पर भी होता है, इसके ऊपर ध्यान देना है। शुरू के बाद सभी बंदा नहीं क्या करते इसको थोड़ा सा कम करके रख देते हैं, 40 जिसको क्या टिके रखो, 40 में रखो, नहीं होगा तो उसको और भी बढ़ा दो। शुरू का जब आपका कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उसको घटा लेना, तो आपका कॉस्ट पर व्यू के ऊपर डिपेंड करके एक दो दिन के अंदर देख लेना, मॉनिटर करके उसके बाद कॉस्ट को उस हिसाब से घटे लेना, तो देखना आपका ऐड चलते रहेगा। तो सबसे मेन आपका सब कुछ सही रहे नहीं चले तो पहले आपको बीट को चेंज करना है, बीट चेंज हो जाए कॉस्ट पर व्यू जो बोलते हैं हम लोग, उसको चेंज करना है, उसको चेंज करने करके सेव करके अप्लाई कर लेना है। उसके बाद नहीं चलता है तो सेकंड में आप जो हम आपको ऑप्शन बोल रहे हैं अकाउंट सेटिंग और लोकेशन एंड एज, ये सारे चीज़ देख लेना, उसके साथ साथ आपका यूज़र आपका कस्टमर सेगमेंट जो है ये सब सारी चीज़ को देख लेना, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है तो तब जाके आप गूगल कस्टमर सपोर्ट के साथ बात कर सकते हो। आई थिंक क्या आपको ये सब सारे चीज़ करने के बाद आपको 100% आपको आपका कैंपेनिंग रन हो जाएगा, आपका ऐड रन हो जाएगा और आपको व्यूज इम्प्रेशन मिलते रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है क्योंकि हम खुद से किए हैं। सो आई होप यू इन्जॉय, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को, और आपका फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।